24 में जो आ रहा चुनौती हम लोग के सामने है एग्जाम पूरे मजबूती के साथ करके और जो पहले जमा किए जैसे जमा किए ठीक है लेकिन फिर ऑनगोइंग लगातार अभियान चला पड़ेगा। सीख ही बघा रहे कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। लालू जी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा था जब धुआंधार दौरा करते थे और घंटों भाषण करते थे तब तो 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीट पर सिमट गए थे। उसमें भी आपने 40 सीट पर जीतने का दावा किया था और 2019 में तब 0 पर आउट हो गए थे। तो अब आप क्या बीजेपी का सफाई कीजिएगा? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, देश की चिंता बाद में कीजिएगा, भले स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए बिहार में एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान क्या कर दिया 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देने का। बीजेपी तो भड़क गई है और लालू यादव पर जो हमेशा से भड़के से नजर आते हैं, हमेशा लालू परिवार पर हमलावर दिखते हैं सुशील मोदी, अब लालू यादव से सवाल पूछने लगे हैं। देखिए आज आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव खुद पहुंच गए और उन्होंने ऐलान कर कहा ना मैं बीजेपी से डरा हूं, ना मैं डरूंगा, ना मैं बीजेपी के सामने झुका हूं और ना ही मैं झुकूंगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद खूब बयानबाजी शुरू हो गई कि लालू यादव तो वो शख्स हैं जो बीजेपी के आगे कभी नतमस्तक नहीं हुए हैं। लेकिन आगे लालू यादव ने कह दिया कि 2024 में जो चुनाव होगा एकजुट होकर लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। यानी 2024 में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की बात जब लालू यादव कह रहे हैं तो सुशील मोदी अब भड़क गए और 2014 और 2019 की दुहाई देने लगे हैं। कह रहे हैं याद कीजिए ना, अब तो आप बीमार हो गए हैं, जब ठीक थे तो क्या कर लिए थे। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं 2014 की बात सुशील मोदी कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं और सुशील मोदी लालू यादव को कह रहे हैं तब तो आप ठीक थे, क्या कर लिए आप, आगे क्या कर लीजिएगा। सुनवाते हैं पहले सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। लालू यादव सीख ही बघा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। लालू जी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा था जब धुआंधार दौरा करते थे और घंटों भाषण करते थे तब तो 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीट पर सिमट गए थे। उस समय भी आपने 40 सीट पर जीतने का दावा किया था और 2019 में तब 0 पर आउट हो गए थे। तो अब आप क्या बीजेपी का सफाई कीजिएगा? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, देश की चिंता बाद में कीजिएगा, भले स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। और देखिए जहां तक अमित शाह के दौरे की बात है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? देश का गृह मंत्री क्या किसी राज्य का दौरा नहीं कर सकता है? लेकिन महागठबंधन डर गई है, परेशान है, पता नहीं क्या होगा। अभी तो अमित शाह का दौरा, अभी तो पीएम का दौरा होना बाकी है और लालू जी कह रहे हैं कि नीतीश जी को लेकर सोनिया गांधी से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। जिस राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है गुजरात जाने की, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं, हिमाचल क्यों नहीं जा रहे हैं जहाँ चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश में भी केवल 2 दिन का दौरा कर रहे हैं और केरल में 19 दिन का दौरा कर रहे हैं। तो आपने जिन लोगों से हाथ मिलाया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश की जनता ने उनको नकार दिया है और अब जिनसे भी जाकर मिले, जिनके साथ भी जाकर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से लौट कर आएंगे। तो आप बीजेपी के नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सुन रहे थे। लालू यादव के बयान के बाद सुशील मोदी की प्रतिक्रिया ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। सुशील कुमार मोदी पूरे फायर हैं और कह रहे हैं क्या कर लिया 2014 और 2019 में कि 24 में कर लेंगे, बीजेपी को हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। लालू यादव को साफ साफ चेतावनी भी दे रहे हैं, चैलेंज भी दे रहे हैं सुशील कुमार मोदी। बहरहाल देखना होगा आगे क्या क्या होता है। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।